हेलो दोस्तों, मैं अमित और स्वागत है आपके इस चैनल अमित फास्ट टेक में। दोस्तों, आपको यदि इस प्रकार से आप अपने YouTube वीडियो को, नया आईडी को या Facebook आईडी जो आप ओपन किए हैं और अपने स्टोरी पे Facebook पे लगा के लिंक के साथ लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको लाल बटन दिख रहा होगा। करते हैं तो आपको क्या करना है, फेसबुक स्टोरी में जाना है और वहां पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा स्टिकर्स वाला, तो स्टिकर्स वाले पर जब ओपन कीजिएगा तो यहां आपको दिख रहा होगा कि ये ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आपको बताना तो बनता है। तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम आईडी में आना है और वहां से आपको दिख रहा होगा जो अपना स्टोरी लगा सकते हैं, तो आप कोई सेलेक्ट कर लेते हैं कोई फोटो और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ स्टिकर्स दिख रहा होगा। स्टिकर्स में जाएगा तो आपको वहाँ से लिंक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो जिस चीज़ का आप प्रमोशन करना चाहते हैं, स्टोरी पे लगाना चाहते हैं लिंक के साथ, उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करना है और नीचे आपको दिख रहा होगा कस्टम स्टिकर्स। कस्टम स्टिकर्स में आपको वीडियो का टाइटल लिखना है, लाइक जैसे लिखना चाहते हैं न्यू आईडी, न्यू वीडियो, लाइक ऐसे ही, तो आप वहां पे लिख के और यहां पे आपको डन कर देना। डन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप फेसबुक पर कैसे जाएगा, तो डन करने के बाद आप स्टोरी जो ओपन कीजिएगा तो आपको नीचे में दिख रहा होगा कि फेसबुक, और फेसबुक पर जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ड्यूट हो जाएगा। आप जैसे ही अपना स्टोरी फेसबुक पे लगाएगा तो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे आप लगाइएगा तो फेसबुक पे ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं कि लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।